अभी हम डोंगरगढ़ में खड़े हैं और हमारे साथ पीठ के उपाध्यक्ष हैं झम्मन शास्त्री जी। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे एक ऊपर आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है, डोंगरगढ़ में गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का हवन और पूजा पाठ चल रहा है। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में 9 दिवसीय नवरात्र पर्व में सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है जी, जिसमें दुर्गा सप्तशती का 71 विद्वानों के द्वारा पाठ किया जा रहा है, नवारण मंत्र का जप हो रहा है। सर्व सिद्धि प्रदायक ये महापर्व है। आज महाअष्टमी नवमी का पर्व है, इसका विशेष महत्व है। माँ भगवती महामाया को ये तिथि बड़ा प्रिय है, उनकी जयंती पर्व है आज। और ऐसे अवसर पर आज पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का दिव्य शुभागमन हुआ है। पूरी पीठाधीश्वर महाभाग आज पधारे डोंगरगढ़। शाम को 5 बजे यहाँ दिव्य संगोष्ठी होगी। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और धर्म अध्यात्म राज से संबंध प्रश्नों का जिज्ञासाओं का वो समाधान करेंगे। कल नवनिर्मित मंदिर में स्वर्ण कलश शिखर प्रतिष्ठा होगी। भैरव जी और गणेश जी की दिव्य मूर्तियों की यहाँ स्थापना हो रही है। तो ऐसे ऐतिहासिक महापर्व में प्रदेश भर के सब अनुयायी यहाँ जुटे हुए हैं और इस साधना में प्रतिदिन यहाँ सत्संग हो रहा है। देवी माँ की महिमा पर प्रवचन होता है। आज विशेष विधि से यहाँ सहस्त्रार्चन हो रहा है। माँ भगवती ललिता माँ के हजारों नाम से स्तवन। प्रतिदिन यहाँ महाभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक। ये शक्ति और शिव की उपासना का महापर्व है। सबके उत्कर्ष के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए, महामारी संकट जैसे व्याधियों के निवारण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हैं, अभ्युदय के लिए ये ऐसे आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबका हित कल्याण हो, नित्य यहाँ प्रार्थना की जा रही है। यज्ञों के द्वारा समय पर सुवृष्टि होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, गो संरक्षण के लिए यहाँ रोज प्रार्थना की जाती है। शास्त्री जी, आप झम्मन शास्त्री जी, आप बड़े गुरु जी हैं और अभी किस किस संस्थाओं को सेवा दे रहे हैं अभी? ऐसा है, हम तो बचपना से ही जी पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के हम शिष्य हैं जी, पूर्वामनाय, और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी, जिन्होंने धर्म संघ की स्थापना की जी, उस संस्था में हम लोग बचपना से लगे रहे। तो हिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए समाज में जन जागरण करना, राष्ट्र जागरण करना, उसके बाद गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य जी ने पीठ परिषद की स्थापना की। उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के 26 जिला में पीठ परिषद के माध्यम से आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी में युवा वर्ग और आनंद वाहिनी में मातृशक्ति को रखा जाता है। तो बाल आदित्य वाहिनी, बाल आनंद वाहिनी में बच्चों को, तो समाज में सेवा, सत्संग और संकीर्तन, तीन प्रकल्प चलाने का हम लोग अभियान देते हैं, जिससे समाज सुबुद्ध और स्वावलंबी बने, सत्य सहिष्णु बने, समाज में दुर्व्यसन न पले, समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको जीतने के लिए हम तेजस्वी बने, ओजस्वी बने। उसके लिए सामूहिक इस समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, हर जिला में, ताकि युवा वर्ग धर्म अध्यात्म और संस्कृति से, राष्ट्र से जुड़े। बात करने के लिए धन्यवाद आपके लिए। तो ये भगवान शंकराचार्य जी पधारे हैं, कल उनके कर कमलों द्वारा ये स्थापना होगी और उनकी धर्म सभा होगी इसी मंच में, विशाल वो संबोधन करेंगे, धर्मोपदेश आशीर्वचन। तो बहुत अच्छा है, यहाँ डोंगरगढ़ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक धर्म अध्यात्म राष्ट्र के विषय में जन जागरण हो रहा है और आदित्य वाहिनी में अधिक से अधिक युवा पीढ़ी जुड़ रहे हैं, जो सेवा प्रकल्प चलाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उसी के द्वारा ही ये हिंदू राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प है गुरुदेव का, वो पूर्ण होगा। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। हर हर महादेव। हम डोंगरगढ़ में गुप्त नवरात्रि की अष्टमी नवमी में पहुँचे हैं और यहाँ का एक बहुत बड़ा महत्व है डोंगरगढ़ का। पूरे देश से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज माता जी की जयंती भी है और दूसरा आज गुप्त नवरात्रि का अष्टमी नवमी है। अध्यक्ष हैं नारायण अग्रवाल जी, हम उनसे बात करते हैं। बताइए, जो आयोजन चल रहा है और एक महत्वपूर्ण आयोजन है।
माँ बमलेश्वरी देवी की जय। माँ बमलेश्वरी देवी का नीचे में स्थित मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार का कार्य लगभग 15 वर्षों से चल रहा था और वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। मंदिर में जो शिखर है उसमें कलश की स्थापना होनी है, ध्वजदंड लगेगा। मंदिर के दोनों तरफ गणेश जी और भैरव जी का मंदिर बनाया गया है जिसमें गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए सहस चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि 2 तारीख से 10 तारीख तक सहस चंडी यज्ञ चल रहा है हमारा। आज अष्टमी है, कल पूर्णाहुति होगी। इसके लिए शंकराचार्य जी जो हैं, पूरी मठ के शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी आज डोंगरगढ़ पधार गए हैं और उनके कर कमलों से ही कलश की स्थापना होगी, जो कल 11 बजे कलश का स्थापना कार्यक्रम संपन्न होगा। क्या लगता है कितने लोग आ रहे हैं? गुप्त नवरात्रि है, लोग बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता। हजारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं लोग दर्शन के लिए और धर्मगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है यहाँ, उसके कारण पूरे जिले के लोग शामिल हो रहे हैं और मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसपे कलश स्थापना की जा रही है और गणेश मंदिर नया बना हुआ है, भैरव बाबा का नया मंदिर बना हुआ है उसकी भी स्थापना की जा रही है, नए मूर्ति की स्थापना की जा रही है। जय माता की। नाम बताओ। रवि तिवारी। चलिए, हम बात कर रहे थे, काफ़ी कुछ हम जानना चाहते थे जो हमें जानकारी मिल रही। RPL न्यूज़ से देवाशीष डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़।